अभी मैं आई हूँ शूट करके और मैंने लिया था बार्बी लुक, और मेरे पति देव ने कहा कि तेरे को बार्बी का मतलब पता है? मैंने कहा नहीं। कहते बार्बी की कमर पतली सी होती है। और कौन शख्सियत महान पुरुष? अब तो पूरी लुक खराब हो गई। कोशिश की थी मैंने इंडियन बार्बी की लुक लेने की, पर मेरे हस्बैंड ने मेरी बेइज्जती मार दी। कहते तुम मोटी है, बार्बी पतली होती है। क्या हुआ, कोशिश तो कर सकते हैं हमें, क्या हम मोटे लोगों का हक नहीं होता क्या बार्बी लुक लेने का, है ना? मैं बार्बी लुक लिया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूरी लुक। उससे पहले एक बार पानी पी लूँ। गिर गया नीचे वीडियो के चक्कर में। छोटा सा घर है मेरा है वो। बार्बी डॉल इसके अंदर घुस नहीं सकती, बात अलग है। बार्बी डॉल इसके अंदर घुस के देखती है। एक देखो परी के लिए वाली निप्पल मंगाई है। किचन को अभी इग्नोर करना क्योंकि मैं वीडियो के लिए गई हुई थी। और ये परी ना, और परी और नन्नू घर पे थे। एक गुड़िया है ना जो मेरी हेल्पर दी है, उनकी बेटी, उन्होंने संभाल रखा था, तो मैं आधे घंटे में वैसे तो आ गई। तो ये बॉटल अभी आई है, निप्पल बेबी फॉरेस्ट, इसको लाड प्यार बोलते हैं, मतलब ये वाली निप्पल का नाम है लाड प्यार। तो ये मैंने नन्नू के लिए मंगाई, कोई कोलैबोरेशन नहीं है। देखो कैसी सी है, सॉफ्ट सी। ये वाली कंपनी कहती है कि आपकी जो बॉटल है बच्चे को ऐसा फील होगा जैसे वो माँ से ही चिपका हुआ है। तो मैं इसको यूज करके देखूंगी कि कैसी है कैसी नहीं। दिखने में तो बहुत क्यूट सी है ये। ये देखो ऐसे बंद हो जाएगी और बच्चा यहाँ से इसको बड़ी सॉफ्टली पकड़ सकता है। तो अगर आपको लगता है ना कि आपका बच्चा निप्पल नहीं पकड़ता, तो मैं एक बार नन्नू को भी पकड़ा के दिखाऊंगी। अगर उसको लगा अच्छा फील हुआ तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी। अब मैं जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। यह तो है मेरी ड्रेस जिसका मैंने गले का तो निकाल लिया। ये वाली साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा कलर है इसका। अगर आप लोगों को भी लेना हो तो आप लोग ले सकते हो। इसका वर्क वगैरह भी बहुत ज्यादा प्यारा है। और ये देखो मैंने पीछे बो भी लगाया है इसकी, ये देखो। तो प्यारी साड़ी है बहुत ज्यादा। दिव्या ट्रेंडी फैशन पेज की तरफ से आईडी और लिंक मेंशन कर दूंगी। अब मैं जल्दी से चेंज कर लूँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैं कह रही हूँ ये वाली बोतल नन्नू के लिए आई है और ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 2000 रुपए की। पापा भी लेट गए, लो। मैं परी मार दूंगी, बकवास कर रही है। परी रुई भी लेके आ गई आपके नाक में डालने के। मैं मार दूंगी, बकवास बातें कर रहे हो। बदतमीज से नाक रुई डाल तो बाहर मैं क्या बताऊं तेरे से। मैं परी के पापा कहते हैं मेरा जूते आ जाते जितने की तूने बोतल मंगाई है। थोली में 8 बोतल होगी घर में ढूंढूंगा यार। 8 कहाँ है? मेरे पे एक जोड़ी ट्रैक के जूते। 1, 2, 3 ये 4th बोतल 5वीं बोतल है बस ये। यार वो प्लास्टिक में है ना, बच्चे के लिए प्लास्टिक ठीक नहीं। ये सिलिकॉन है देखो, ये इसको पानी में उबालने की जरूरत नहीं है, इसको बस अच्छे से वॉश कर लो। बैक्टीरिया फ्री है ये और हीट रेजिडेंट है ये रेजिडेंट। और गाइस बैक्टीरिया फ्री है, मत खरीदना। आप एक प्लास्टिक की बोतल में दूध डाल के रखोगे ना तो वो 2-3 घंटे में खराब हो जाएगा, देखना। और इसमें नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा जिंदगी, कभी भी वाला 2 दिन तक नहीं खराब होता है। तो ये बहुत बेस्ट आपके बच्चों के लिए। तो ये 2 दिन तक हमें बनाना नहीं पड़ेगा। परी कह रही है मम्मी रिकॉर्ड करो कि मैं नन्नू को हंसाऊंगी। थोड़ी तो गर्मा में नहीं है।
मेरे से कितनी प्यार करती है। मेरा ना दो तीन दिन से बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, कमर दबाओ, हिम्मत नहीं है, कमर चले के पैर दबाएंगे अब मम्मी मम्मी के। आप मसाजिंग की वीडियो देखिए और सीखिए कैसे की जाती है मसाज। एक दिन परी ने मेरा पैर दबाया था, बिल्कुल आराम मिल गया था कई देर तक। वैसे ये चीज खासियत है परी में, कई देर तक दबाती रही नहीं, ये बोलती नहीं मैं थक गई करती रहती हूँ। ये आपकी तरह नहीं है, मैं भी बहुत देर तक दबाती हूँ। तेल तक आपने मेरे कभी पैर नहीं दबाए समझे, नन्नू पेट में थी सिर्फ तब आपने मेरी हेल्प की थी उस टाइम, क्योंकि मैं अपने पेट की वजह से पैरों तक हाथ नहीं पहुंचा पाती थी। पैल तेल दबाए मैंने झूठे, पर ये बाल फाड़ दे बेटा सारे। फाड़े नहीं है, मैं तो मसाज कर। ये लो बाल कर्ल कर रही थी, कर लिया बाल कर्ल, ये नहीं कट लिए, कटेंगे ये उलझा दिए और कर्ल कर ले। रुआ क्या रही, बाल कर्ल कर रही थी ना बेटा, इंग्लिश और पाल देना दे, मिल गया मिल गया मिल गया, ओढ़ नहीं पाएगा, कैची मार दो बुचका दो इसको अब। कर्ली करूंगी बाल हीरोइन। कैची ला दो, मैं कह रही हूँ बुचके मार दो इसके बालों पे, टकली करवा के लाऊंगी इसको मैं। हाथ तो लगा दिए, कर्ली बाल, फैशन शो में जाना है। ये किसी से नहीं खुलेंगे, कर्ली बाल करूंगी मैं। तेरी माँ आ गई मेरे सामने करती तभी तक तेरा मुंह कर तेरा गाल कर्ली कर देती मैं। सुलझ गए, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तेल लगा रखा था वरना आज तेरा कर्ली ऐसा कर्ली होता ना तेरी राखी सी बन जाती मम्मी सुना ना, ऐसा कर्ली से हो जाते परी को नन्नू आपके और दीदी के एक जैसे बाल हो जाते। व्लॉग नहीं बनाएंगे तो दिखेगा कैसे, दिखाओ। गंदी है। वाओ नहीं बहुत सुंदर है कौन पर ये दादी, दादी? भाई बिल्कुल शक्ल मिल रही है दादी की तो इतनी गंदी नहीं है। ये देखो मुझसे क्या हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये मैंने नन्नू के लिए ना प्रोटीन पाउडर बनाया था और ये कांच के ग्लास इसमें बॉटल में रखा था, जार बोल सकते हो आप, और वो जार मेरे हाथ से गिर गया और देखो सारा फैल गया। अब मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। ये प्रोटीन ना मैंने नन्नू के लिए बनाया था, इसको बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा था। तो मैंने क्या किया था, एक पूरे वीक का बना के स्टोर कर लेती हूँ मैं। तो मैंने क्या किया इस बार कि मैंने 15 डेज का बना लिया था। 15 डेज का तो क्या था, 10-11 डेज का ही था, वो मैंने बना के रख लिया था क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है वो मेरा थोड़ा सा बिजी होने वाला था, तो शायद मैं इसको प्रिपेयर नहीं कर पाती, इतना टाइम मेरे पास नहीं था। और प्रोटीन नन्नू के लिए ज़रूरी था बनाना। और अभी रात को मैंने डिसाइड किया था कि एक स्कूप और दे देती हूँ, क्योंकि आज मैं बिज़ी थी और मैंने नन्नू का ना वो दाल का पानी वगैरह नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये दे देती हूँ। और जैसे ही मैं इसको कटोरी में डाल के वापस रखने लगी ये नीचे गिर के टूट गया। अब मैं इसको छान भी नहीं सकती, ना ही इसको वापस किसी कंटेनर में डाल सकती, क्योंकि ये भी तो नहीं पता कितने छोटे छोटे कांच के ग्लासेस इसमें गए हैं, तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा।
अब मैंने फिर से ये सब चीज़ों को रख के फ्राई किया है। ये जितना भी कांच का था ये मैंने सारा इकट्ठा एक करके एक तरफ रख दिया, उसको मैं कहीं फेंक दूंगी क्योंकि मैं इसको वैसे तो मैंने कई बार छाना है लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है तो मैंने उसको एक तरफ रख दिया। सब कई बार होता है ना कि एज एन होम मेकर हम वाइफ हमेशा सोचती है कि इतना नुकसान है चलो खुद इसको कंज्यूम कर लेते, वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरे भी दिमाग में यही आ रहा है कि वैसे तो मैं 3-4 बार इसको छाना है, मेरे दिमाग में भी यही आ रहा है कि चलो इसको मैं कंज्यूम कर लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे जब मैंने उनको ये बोला था कि कोई बात नहीं इसको मैं कंज्यूम कर लूँगी छान के, तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि नहीं अगर इतना सा भी कांच चला गया तो बॉडी में बहुत दिक्कत करेगा तो नहीं कंज्यूम करना। तो मैंने अभी उसको एक साइड रख दिया, उसको मैं कहीं दूर फेंक के आऊँगी ऐसी जगह कि कोई कुत्ता वगैरह भी उसको ना खाए क्योंकि उनके भी अगर जीव वगैरह पे छिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो मैंने छान दिया बट स्टिल नहीं, तो अभी मैंने क्या किया है रोस्ट करके रख लिए हैं सारा सामान और अब इसको ठंडा होने दूंगी, उसके बाद उसको प्रिपेयर करूंगी। अब सुबह ही प्रिपेयर करूंगी, अभी इसको बस मैं ढक के रख रही हूँ ताकि क्योंकि अभी मिक्सी वगैरह भी मैं चलाऊंगी ना तो नन्नू उठ जाएगी तो मैं वो चीज़ भी नहीं चाहती हूँ। तभी मैं जा रही हूँ सोने, अभी सुबह तक रहेगा ऐसे ही, सुबह प्रिपेयर करूँगी। किचन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, फैल गया है पूरा किचन क्योंकि नीचे भी गिर गया और ऊपर भी गिर गया। गुस्सा आ रहा मेरे को आज, सिर्फ एक लापरवाही मेरी, अगर मैं ध्यान से उसको देख के रखती तो वो नहीं टूट के गिरता और मेरी वो लापरवाही से टूट के गिर गया। कोई बात नहीं, लेसन ऐसे ही सीखा जाता है। तो सुबह इसको प्रिपेयर करूँगी, सुबह बिल्कुल टाइम भी नहीं क्योंकि मुझे जाना है एक इनोग्रेशन पे, वहाँ पर सोनीपत साइड जाऊँगी मैं, तो इसलिए मैंने अभी से आधी प्रिपरेशन कर दी। सुबह मुझे जल्दी उठना, तैयारी करनी है, उसके बाद निकलना है, तो अभी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर दी है। सुबह मुझे था कि परी नन्नू के लिए मैंने डिसाइड किया था पहले कि ये सब रख लूँगी तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसको खाने पीने के को लेकर, अब टेंशन बढ़ गई है और सुबह पूरा मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा इसको बनाने में। और अगर आप लोगों को भी रेसिपी चाहिए, वैसे मैं इन सब चीज़ों की रेसिपी शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि देखो हर बच्चे का अलग मेटाबॉलिज्म होता है, हर बच्चे का अलग बॉडी होती है, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करे चीज़ों को, इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं बताती हूँ और ना ही मैं डॉक्टर हूँ। मैं अपने माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ कि उसकी बॉडी इसको ले पा रही है कि नहीं पा रही, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया था और अगर मैं इन सब चीज़ों की वीडियो बना के डाल दूँगी ना तो कोई बहुत ज़्यादा चटक होती है, वो शेयर करके खुद ही अपने बच्चों का एक्सपेरिमेंट मारने लग जाते हैं, तो वो सब चीज़ें होती है। इसलिए मैं इन सब चीज़ों की रेसिपी नहीं देती हूँ क्योंकि आपके बच्चे को आप अच्छे से जानते हो, मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता दूँगी। पर प्लीज़ कोई एक्सपेरिमेंट मत मारना अपने बच्चे को, छोटे बच्चे पे। आपका बच्चा अगर बड़ा है 5 साल 4 साल 6 साल 7 साल ओनली देन आप लोग एक्सपेरिमेंट मारना। और गलती से अगर आप लोग सोच भी रहे हो एक्सपेरिमेंट मारने का तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, वो सब देखकर सोचकर सुनकर ध्यान से तभी आप एक्सपेरिमेंट करना। ओके अब मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट एवरीवन। सुबह जल्दी तैयार होना है, लाइट वगैरह सारे घर की बंद कर दी। हमारा बिजली का बिल इस बार कितना आया, 2000 आया शायद, पिछली बार 4000 आया था, नहीं 3000 आया था, 4000 आया था, तो वो परी के पापा की वजह से आया था, पूरे रात एसी चलाते हैं और इस बार मैंने एसी ही नहीं चलाया, सबको गर्मी में मारा।